हेलो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द प्रोसेसेस, व्हाट आर प्रोसेसेस, एंड वी हैव टू स्टार्ट शेड्यूलिंग टेक्निक्स। बट इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ CSBS। सो लेट्स मूव टू टॉपिक वाइज टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक, what need to have studied. So first is the introduction. What is the concept of operating system? So when we talk about operating system, we have discussed that of the definition, the clear cut definition of operating system may vary from person to person. But if we have to write for exams, then we can write like operating system is a fundamental software component. You can see in the PDF. It's a fundamental software component in the computer system, which is basically is a interface between hardware and user. You can write like that. It provides a user interface, user friendly interface to interact with the system. Operating system manages hardware, everything we have discussed. This is the main key points we are discussing topic wise topic. So we are discussing like what is the concept of operating system, the basics. इसमें हमने क्या सीखा था अभी तक कि operating system basically is a interface between user and hardware. Okay, so user friendly interact with the system. Then we have to study like operating system kin kin cheezo mein hamari madad karta hai. First is process management. Jo bhi processes operating systems mein hote hain unko manage karne mein kaun sa process pehle hoga, kaun sa pehle khatam hoga, kaun sa create hoga pehle. So these are the there are various scheduling algorithms like termination processes. सो इन सब चीज़ों में, इन सबको सिंक्रोनाइज करने में, सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करता है. दिस इज प्रोसेस मैनेजमेंट. सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट. वी हैव डिस्कस एलोकेशन करता है, डी एलोकेशन करता है, स्पेस स्पेस एलोकेट करता है किसी चीज़ों को, किसी प्रोसेस को स्पेस चाहिए तो उसे स्पेस एलोकेट करता है, किसी प्रोसेस का काम हो गया तो स्पेस डीलोकेट भी करता है. तो स्पेस तो मेमोरी का परफेक्ट मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज फाइल सिस्टम मैनेजमेंट. सेम, अगर कोई फाइल हमें रीड करनी है, कोई राइट करनी है, कोई स्टोर करना है कहीं, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, कुछ मैनेज करना है, तो इन सब चीज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है. डिवाइस मैनेजमेंट. इनपुट डिवाइस कुछ है हमारे पास, आउटपुट डिवाइस, कोई पेरिफेरल डिवाइसेस है, उन सब डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है. ये एक डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है. सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल, प्रोटेक्ट करता है हमें सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस को से, और इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी. ओके, तो इन सब चीज़ों को अगर आप समझ सकते हो कि अगर ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, कि प्रोसेस मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, फाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, अगर ये सब एक डिपार्टमेंट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है. जस्ट लाइक अब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, अलग 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 डिपार्टमेंट्स को एक गवर्नमेंट मैनेज करता है. तो उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम एक गवर्नमेंट है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है. तो दिस जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये सब चीज़ है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द की रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट आर द की रोल्स, तो रिसोर्स एलोकेशन, देन यूजर इंटरफेस, देन सिस्टम सॉफ्ट सर्विसेज, देन टास्क कोऑर्डिनेशन. सो इन सब चीज़ों का हमने पढ़ा था, ये हमारे नोट्स से हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे. दिस इज द इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस हमने पढ़ा था. नेक्स्ट इस पर भी हम रेफर करेंगे, उसके थ्रू इसमें रेफर करते रहेंगे. जैसे हमने भी अभी ये पढ़ा कि व्हाट आर द मॉड्यूल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्या बोलते हैं, व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स पे काम करता है. तो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, जो हमने अभी पढ़ा था. नेक्स्ट हम अभी पढ़ रहे थे व्हाट आर द की रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट था मेरे पास, हमने जो डिस्कस किया था पिछले क्लास में, व्हाट आर द की रोल्स में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होती है और की रोल्स क्या है. फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमने ये पढ़ा था कि कन्वीनियंस एक गोल होता है, इफिशियंसी गोल होता है, रिलायबिलिटी गोल होती है, रॉबस्टनेस एक गोल होता है, स्केलेबिलिटी गोल होती है, पोर्टेबिलिटी गोल होती है. कन्वीनियंस मीन्स बेटर इंटरफेस, जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि इंटरफेस बेटर होना चाहिए, यूजर इंटरफेस बेटर होना चाहिए, यानी कि यूजर अच्छे से इंटरेक्ट कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. उसके बाद यूजर इंटरफेस, यस. उसके बाद है इफिशियंसी, इट मींस इफिशियंट भी तो होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी,
यानी कि उसमें रिलाई कर सकते हैं हम लोग, उसमें वो एरर्स कम दे। फिर रॉबस्टनेस मीन्स होता है कि अगर उसमें एरर आया तो इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ एरर आ गया तो उसके वजह से पूरा सिस्टम, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एररनेस मीन्स द एबिलिटी टू होल्ड एरर्स, टू जस्ट रेजिस्ट एरर्स, कि एरर्स आए उसके बाद भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलना चाहिए। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी, क्योंकि स्केलेबल भी तो हो, मल्टीपल रिमोट कंप्यूटिंग में यूज हो सके, अलग अलग चीजों में। पोर्टेबिलिटी मीन्स मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक्सेस कर सके एक बार में, मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सके। तो इन सब चीजों का हमारा एक गोल्स है, कन्वीनियंस है, फंक्शंस हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ मेनली फोर टाइप्स या फाइव टाइप्स बोलते हैं। सो फर्स्ट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि एग्जीक्यूट बैचेस ऑफ जॉब्स विदाउट यूजर इंटरेक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एमएस डॉस का, हमने एमएस डॉस पढ़ा था, मतलब कभी ना कभी सुना ही होगा आपने। एमएस डॉस क्या था? एमएस डॉस फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें कि जितने भी यूजर्स, जितने भी प्रोसेसेस हमें चाहिए होता है वो सब हम कमांड से करते थे, कोई यूजर इंटरेक्शन उतना नहीं था। और ये बेसिकली हमारे हमें जो भी कमांड्स करते थे, कोई जीयूआई नहीं था उसमें, कोई इंटरफेस नहीं था यूजर के साथ, तो इंटरफेस खराब था। तो ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आए थे हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है? अलाउज मल्टीपल यूजर टू यूज द सिस्टम इंटरैक्टिवली। मतलब एक सिस्टम पे मल्टीपल यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे कॉलेजेस में होते हैं, कॉलेजेस में एक सर्वर रखा रहता है और उसमें मल्टीपल सिस्टम्स उस सर्वर को एक्सेस करते हैं, उसकी फाइल्स को एक्सेस करते हैं। उस टाइप पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस सर्वर पे जनरली लिनक्स अपलोडेड होता है, उस सर्वर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजेस अ ग्रुप, सॉरी फॉर द नॉइस, मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक्स इट अपीयर्स लाइक अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स अगर हमारे पास है, बहुत सारे कंप्यूटर्स है, तो हमें और एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग कंप्यूटर्स एक्सेस कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक पर्टिकुलर सर्वर है, उसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स उसको एक्सेस कर रहे हैं सर्वर को। एग्जांपल के तौर पर मान लो यहाँ गूगल का सर्वर है, गूगल का सर्वर कहीं कैलिफोर्निया में है, और हम अगर अभी यहाँ से उसे एक्सेस करना चाहते हैं, www.google.com या कैलिफोर्निया के लिए अलग कुछ होगा, तो अलग अलग मैं यहाँ कर सकता हूँ, मेरे दोस्त कहीं और से कर सकता है यहीं से। तो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एक पर्टिकुलर सर्वर को, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चाह रहे हिट करें, तो हम उसे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सो इट प्रोवाइड्स अ इंटरमीडिएट प्रोसेस ऑफ टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस। बेसिकली सैटेलाइट एग्जांपल ले लो, तो सैटेलाइट में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी डेटा सैटेलाइट भी कैप्चर करता है वो हमें रियल टाइम में चाहिए होता है, या बहुत ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम्पल के तौर पर ब्रॉडकास्टिंग, क्रिकेट मैच कहीं हो रहा है तो उसमें भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है। आपके वॉच, आपकी वॉच भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ही तो वर्क कर रही है, वो आपको रियल टाइम टाइम दिखाती है कि आपका टाइम कितना हो रहा है। डिजिटल वॉचेस, एनालॉग वॉचेस, दिस आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी आपको हेल्प कर रही है। नेक्स्ट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल स्पेशलाइज लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड अदर एम्बेडेड सिस्टम्स। जैसे एंड्रॉयड एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह से टैबलेट्स में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। सो इन सब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स अलग स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए, स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस के लिए। वॉचेस में आजकल अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा है। दीज आर द थिंग हमने अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरेशन पहले क्या था, मतलब जनरेशन क्या क्या? तो फर्स्ट जनरेशन जो कि अर्ली 1940s टू 1960s, आपको ये याद नहीं रखना, पर फर्स्ट जनरेशन आपको ऐसा याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब्स आई थी। वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था, कुछ इस टाइप के वैक्यूम ट्यूब्स टाइप में ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फर्स्ट 1940s में यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स, कैथोड रे ट्यूब वगैरह होते थे इसमें यूज। तो इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली होता ही नहीं था, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात हो रही, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। मैनुअली हम ऑपरेशन करते थे यूजिंग स्विच और प्लग बोर्ड्स। प्रोग्राम्स आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज और लिमिटेड स्पेसिफिक टास्क होते थे उस तरह के सिस्टम में, कंप्यूटर में, वैक्यूम ट्यूब्स या प्लग बोर्ड्स में। सेकेंड जनरेशन जो आया वो था अपना बैच सिस्टम या ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर उसमें यूज होने लगे, मतलब एक सर्किट बोर्ड में ट्रांजिस्टर यूज होने लगे, और उसमें फर्स्ट टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। जो हमने पढ़ा ना अभी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा।
तो दीज जॉब्स आर कलेक्टली प्रोसेस्ड एंड इन बैचेस यूजिंग इंटरेक्शन, यानी कि आपको अगर कुछ प्रोसेस करना है तो आप बैचेस में प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपके पास 100 प्रोसेसेस है तो आप 10-10 के बैचेस में 10-10 को प्रोसेस कर सकते हो। इस टाइप की चीजें आने लगी। सो उसमें मैग्नेटिक टेप्स आते थे, वर यूज फॉर इनपुट एंड स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक टेप्स आपने देखा होगा बहुत सारी फोटोज में कि 1 MB को स्टोर करने के लिए एक रूम जितना बड़ा स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, 1 MB जितने छोटे से मेमोरी को स्टोर करने के लिए एक रूम जितना बड़ा हमें डिवाइस बनाना पड़ता था। सो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज थी, जॉब सीक्वेंसिंग, बेसिक शेड्यूलिंग यूज होती थी। थर्ड जनरेशन जो हमारा आया है मिड 60s से 80s के बीच में, इसके बीच में ही बेसिकली हमारा मेजर चेंजेस आया था। तो देयर इंट्रोड्यूस्ड लाइक आईसी और मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट इंक्रीज हुआ। सो जेके फ्लिप फ्लॉप आई थिंक द गाय बिहाइंड द फादर ऑफ आईसी जो उनका नाम था, तो उन्होंने ये आईसी का खोज किया था। उसके बाद से जो कंप्यूटर्स वर्ल्ड में, जो सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में बूम आया था। सो इंट्रोडक्शन टू मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम रनिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब पैरेलल एग्जीक्यूट करने लगे, वो आईसी में आया। मल्टीपल अलाउइंग मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली, एग्जैक्टली। सो टाइम शेयरिंग होने लगा, यानी कि इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग होने लगी। आप क्लिक करोगे आपके पास सीधा रिस्पॉन्स आएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक वर्चुअल मेमोरी एंड फाइल सिस्टम्स यहाँ पर आने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम 360 या म्यूटस मल्टस, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज मैंने लगा था इसमें बहुत सारे चीज़ों में। नेक्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटिंग नेटवर्किंग। इस केस में क्या था, आईसी और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था, ये काफी कमर्शियल के लिए यूज के लिए था। कमर्शियल यूज इन द सेंस कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज ही इन्हें अफोर्ड कर सकते थे, जिन्हें नीड है जो रिसर्च पर्पज के लिए। IBM खुद ही एक रिसर्च कंपनी थी, वो इनको यूज करती थी, सुपर कंप्यूटर में इनका यूज होता था। पर आफ्टर 1980s टू अभी प्रेजेंट तक पर्सनल कंप्यूटिंग, ये पर्सनल कंप्यूटर से नेटवर्किंग का अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम का बूम आया। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास हर इंसान के पास एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, दैट्स व्हाट इट्स नेम इज पर्सनल कंप्यूटर्स। इनके पास पर्सनल कंप्यूटर होता है। अब आप इमेजिन करो अपने कंप्यूटर के बारे में, उसमें क्या क्या है, उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI है, आपके पास पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशन वगैरह है, आप अलग अलग आपके पास ना खुद कंप्यूटर है, उसमें आप नेटवर्किंग कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कर सकते हो, फिर आप उसमें सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया सपोर्ट, इंटरनेट कैपेबिलिटीज है, फीचर्स है, सिक्योरिटीज और भी बहुत सारे फीचर्स, एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, बहुत सारी चीजें। अब जो प्रेजेंट में है और उसके बियॉन्ड भी जाने वाला चीज़ है, क्या चीज जाने वाली है, अभी पर्सनल कंप्यूटिंग कंप्यूटर हमारे पास है, कुछ टाइम ऐसा होगा कि कंप्यूटर हमारे पास भी नहीं होगा, कंप्यूटर क्लाउड में होगा और आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर मुझे, मेरे पास अपना एक कंप्यूटर है, मैं चाहता हूँ कंप्यूटर को मैं कहीं और जाकर एक्सेस करूँ, तो मैं अपना पूरा कंप्यूटर को क्लाउड में स्टोर कर दूंगा। दिस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब मैं कहीं भी कोई भी सिस्टम में बैठ के अपने कंप्यूटर एक्सेस कर सकता हूँ, डेस्कटॉप एक्सेस कर सकता हूँ, अपने एप्लीकेशंस, अपने मल्टीमीडिया फाइल्स, अपने फोल्डर्स एक्सेस कर सकता हूँ। दीज आर कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी ये दौर चल रहा है और आगे इसमें भी और इंप्रूवमेंट आएंगी। मोबाइल फोकस इज ऑन मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, सीमलेस इंटीग्रेशन एंड यूजर एक्सपीरियंसेस, मॉडर्न थ्रेट्स भी इसमें कुछ कुछ होते हैं, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, एग्जाम्पल एंड्रॉइड, iOS, क्लाउड बेस्ड लाइक गूगल क्रोम OS, क्रोम OS ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारी चीजें आई है क्लाउड पे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज टाइप्स ऑफ OS वी हैव डिस्कस्ड। OS की सर्विसेज डिस्कस किया हमने, इफिशियंसी जो थी, इफिशियंसी, कन्वीनियंस और भी बहुत सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज इंटरप्ट हैंडलिंग एंड सिस्टम कॉल्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंटरप्ट हैंडलिंग एंड सिस्टम कॉल्स। सो आपको इसके बारे में पता होगा, इंटरप्ट मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था इंटरप्ट क्या होता है। सो इंटरप्ट आर बेसिकली अ सिग्नल ऑफ प्रोसेसर इमिटेड बाय अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिकेटिंग एन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। इसको थियोरेटिकली आप इसे समझ सकते हो, बेसिकली मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास, हमें एक क्लासरूम है और क्लासरूम में टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, तो अगर कोई बाहर से कोई इंसान आता है और टीचर से कुछ बात करता है, कुछ इंटरेक्शन करता है, तो वो क्लास वहीं रुक जाती है, मतलब वो क्लास जो टीचर्स पढ़ा रहे थे हमें, वो अब वहाँ पर रुक जाता है। यानी कि वो जो पर्सन आया वो एक इंटरप्ट बनाया, मतलब एक इंटरप्ट हैंड आया, वो पर्सन एक इंटरप्ट दिया क्लास में, जिसमें हमारी जो प्रोसेस है, जो कन्वीनियंस हो रही थी, जो हमारा प्रोसेस हो रहा था, टीचर हमें पढ़ा रहा था, वो प्रोसेस रुक गया। किसके वजह से रुका, वो जो पर्सन आया रूम में, इंटरप्ट की वजह से रुका। तो टीचर क्या करेगा, उस इंटरप्ट को पहले हैंडल करेगा, उससे पूछेगा क्या हुआ, उससे इंटरेक्ट किया, जल्दी उसको हटाया और फिर अपने क्लास को वापस शुरू किया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्ट। वो पर्सन आया एज अ इंटरप्ट, टीचर ने उस इंटरप्ट को हैंडल किया और जैसे ही वो हैंडल हो गया, फिर टीचर अपने प्रोसेस में कंटिन्यू हो गया। दिस इज द सेम थिंग, इंटरप्ट इसी तरह से काम करता है। एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल और टू अ प्रोसेसर इमिटेड बाय द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि इंटरप्ट दो तरह के होते हैं, इंटरप्ट एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। इसीलिए इंटरप्ट
कैन बी इमिटेड बाय हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंडिकेटिंग दैट कुछ भी ऐसा हुआ है जिसमें एक इमीडिएट अटेंशन चाहिए. ये किसको बोलता है? ये सीपीयू को बोलता है. इट टेम्पररी हॉल्ट्स द करंट सीपीयू ऑपरेशन. जो भी सीपीयू ऑपरेशन अभी हो रहा था उसको हॉल्ट करता है. हॉल्ट मींस होता है रुक, थोड़ी देर के लिए रुकना, सस्पेंड करना. सेव इट्स स्टेट, उसके स्टेट को सेव करता है ताकि अगर फर्दर उसे बाद में एग्जीक्यूट करना पड़े तो उसे स्टेट की वजह से हम एग्जीक्यूट कर सके. और एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटरप्ट. इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए कौन हैंडल करता है? उसको हैंडल करता है इंटरप्ट हैंडलर, इंटरप्ट हैंडल मैनेजर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन. ये चीजें हैं ISR जो इंटरप्ट को हैंडल करता है. इंटरप्ट फॉर टू टाइप्स, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. हार्डवेयर इंटरप्ट लाइक इंटरप्ट जनरेटेड थ्रू कीबोर्ड माउस. कभी कभी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, अगर आपने कीबोर्ड कनेक्ट नहीं किया तो उसमें आप एक विंडो खोल के आता है कि कीबोर्ड इज नॉट कनेक्टेड, दिस इज अ इंटरप्ट. वो भी एक इंटरप्ट है, वो होता है हार्डवेयर इंटरप्ट जो हार्डवेयर की वजह से हो रहा है. कभी कभी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं सिस्टम कॉल्स की वजह से. लेट सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम जो हम रन कर रहे हैं. वो सी प्रोग्राम लेट सपोज कोई सम का प्रोग्राम है, तो एक लाइन, दो लाइन, तीसरा लाइन रन हुआ और नेक्स्ट लाइन एक सिस्टम कॉल है. हम अभी डिस्कस करेंगे सिस्टम कॉल क्या होता है. एक सिस्टम कॉल है, सिस्टम कॉल लेट सपोज सिस्टम कॉल का नाम है फॉर्क. फॉर्क एक सिस्टम कॉल है. ये सिस्टम कॉल कोई कमांड यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम कॉल का, और फिर उसके बाद वापस अपना जो हमारा कोड था वो कंटिन्यू हुआ. तो जो कंपाइलर होगा जो क्या करेगा, इसको हैंडल करेगा. उसके बाद जैसे ही वो सिस्टम कॉल पे आएगा, सिस्टम कॉल को हैंडल करने में वो प्रोसेस जो पूरा प्रोग्राम था वो हॉल्ट हो जाएगा, और पहले ये सिस्टम कॉल हैंडल होगा. ये सिस्टम कॉल जैसे ही इसका सिस्टम कॉल का जो भी काम होगा वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा पहले, और ये जो यूजर प्रोसेस था, ये जो प्रोग्राम था, ये भी हॉल्टेड रहेगा तब तक जब तक सिस्टम कॉल खत्म ना हो जाए. जैसे ही सिस्टम कॉल खत्म होगा ये वहां से वापस शुरू हो जाएगा. दिस इज इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन. ये काम कौन करता है? इंटरप्ट हैंडलर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन करता है, एक इंटरप्ट हैंडल मैनेजर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. दिस इज द थिंग. सो इसमें ये जो सिस्टम कॉल है, ये सिस्टम कॉल कौन जनरेट करता है? ये सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट नहीं करता, ये सिस्टम कॉल सीपीयू जनरेट करता है. सीपीयू जनरेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसे इंटरप्ट को सॉल्व करता है. दिस इज द सिस्टम कॉल कॉन्सेप्ट. और इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो बेसिकली एक इंटरप्ट का रिक्वेस्ट होता है, फिर उसको रिक्वेस्ट किया, इंटरप्ट ने कुछ रिक्वेस्ट किया तो उसे इंटरप्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं. फिर सीपीयू ने उसे एक्नॉलेज किया कि हाँ बताओ क्या तुम्हारा रिक्वेस्ट है, उसे एक्नॉलेज करते हैं. फिर जो एक जो प्रोसेस करेंटली चल रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट को हमने सेव किया था कि बाद में अगर हम इसे एग्जीक्यूट करना हो तो हम इसे इस स्टेट से एक्सेस कर सके, उसे सेव किया. फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन ने उसे एग्जीक्यूट किया, जो इंटरप्ट था उसे एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही वो खत्म हो गया तो कॉन्टेक्स्ट जो हमने सेव किया था, उस जिस स्टेट को हमने सेव किया था उसे हमने वापस रिस्टोर किया, उसे वापस रिज्यूम कर दिया. दिस इज द कंप्लीट थिंग जो यहाँ लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल, व्हाट इज सिस्टम कॉल? सिस्टम कॉल इज बेसिकली अ मैकेनिज्म दैट अलाउज यूजर लेवल प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल. तो ओके, काफी हाई फाई चीजें हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ इसका बेसिक्स क्या है. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था सिस्टम कॉल क्या होता है, एक यूजर लेवल प्रोसेस होता है हमारे पास. कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, यूजर लेवल होता है और एक कर्नल लेवल होता है. उसमें देख सकते हो कुछ इस टाइप में दिखता है आपका, यूजर लेवल ऑपरेटिंग इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर. सो हार्डवेयर में सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है. ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी इसका सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं कर्नल. और यूजर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि शेल हो गया, कभी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं, या कुछ शेल होता है, लिनक्स का शेल होता है, या GUI जो हम लोग करेंटली विंडोज में यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन सब चीजों पे यूजर लेवल होता है. तो यूजर लेवल की प्रायोरिटी काफी कम होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी टास्क होते हैं ना, जो भी चीजें सिस्टम कॉल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के, मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टास्क हुए, प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है. तो अगर कोई यूजर लेवल ऑपरेशन हो रहा है और बीच में कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉल आ गए, तो पहले उस सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेगा, उसमें जो भी एग्जीक्यूशन हुआ वो एग्जीक्यूशन पहले होगा, उसके बाद हमारा यूजर लेवल प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर लेवल जो चीजें हैं वो काम होंगी. ओके, सो यही बताता है सिस्टम कॉल में, यही बताते हैं कि दिस इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय द यूजर लेवल प्रोसेसेस, इज अ रिक्वेस्ट सर्विस मेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम. यस, फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल. इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन रनिंग एप्लीकेशन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. सिस्टम कॉल्स कितने? पांच तरह के होते हैं. प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस जो कंट्रोल कर सके, एग्जांपल फॉर्क, एग्जीक्यूशन या एग्जिट कॉल्स, फाइल मैनेज करने के लिए कुछ कॉल्स होते हैं, फिर डिवाइस मैनेज करने के लिए कुछ कॉल्स होते हैं,
इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए कुछ कॉल होते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ कॉल होते हैं, ये सब एक फिक्स सिस्टम कॉल्स होते हैं। इन सब टाइप्स इतने तरह के सिस्टम कॉल्स होते हैं और इन सब सिस्टम कॉल्स की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस डेवलप कर पाता है रनिंग एप्लीकेशन से और ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट इज सिस्टम कॉल हैंडलिंग प्रोसेस। तो ये भी सिंपल है, सबसे पहले रिक्वेस्ट दिया जाए, सिस्टम कॉल आया तो पहले रिक्वेस्ट देंगे, तो रिक्वेस्ट दिए सिस्टम कॉल आया। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट सिस्टम कॉल को एक्सेस करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारे पास रन हो रहा है। ठीक है, इतना इतना हमारे पास रन हुआ और यहाँ पर अब स्टोरी की तरह समझो, यहाँ पर एक नॉर्मल प्रोग्राम रन हुआ, यहाँ पर एक सिस्टम कॉल आ गया। उसके बाद ये प्रोग्राम वापस रन करेगा, यहाँ पर वापस उसके कोड रखा हुआ। ठीक है, ये वापस रन किया तो जैसे ही अब कंपाइलर किस तरह से एक्ट करेगा, जैसे ही यहाँ पर रन कर रहा है यूजर मोड में, ये PWS होता है, ये एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, नाम पे मत जाओ, एक रजिस्टर है। ये रजिस्टर पे 0 और 1 ये बूलियन वैल्यू रहती है, तो इसमें डिफॉल्ट में रहेगा 1। जैसे ही वो यूजर लेवल एक्सेस आ रहा है, 1 मतलब होता है यूजर लेवल। ओके, जैसे ही वहां पर सिस्टम कॉल आया तो क्या होगा, ये यूजर 1 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब 0 का मतलब ये है कि अब जो भी ऑपरेशन होगा वो कर्नल करेगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। दिस इज कॉल्ड मोड शिफ्टिंग, ये इसको बोलते हैं मोड बिट, ये है मोड बिट। और ये जो शिफ्ट हुआ 1 से यानी यूजर मोड से कर्नल मोड में जो शिफ्ट हुआ उसको बोलते हैं मोड शिफ्टिंग। अब जो भी इसके अंदर ऑपरेशन था, जो भी इसके अंदर कोड था, जो भी काम था, इन सब ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये पहले एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो वापस ये 0 से 1 हो जाएगा ताकि यूजर मोड का एक्सेस फिर से कर सके। दिस इज कॉल्ड मोड शिफ्टिंग। तो ये मोड शिफ्टिंग होता है, यानी कि पहले रिक्वेस्ट हुआ, पहले रिक्वेस्ट किया गया सिस्टम कॉल का, फिर मोड शिफ्टिंग की गई, उसके बाद उस वो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया, उसके बाद उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया और फिर रिटर्न कर दिया गया जो भी पॉसिबल आंसर्स थे। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इसके लिए डेडिकेटेड बताऊंगा कुछ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बेसिक आर्किटेक्चर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये चीजें बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं। सो बेसिक आर्किटेक्चर एंड कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट इज लेयर आर्किटेक्चर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स, बेसिकली इनको लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, ईच प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विसेज एंड इंटरेक्टिंग विद एडजेसेंट लेयर्स टू मॉड्यूलर एनहांसेस देयर मेंटेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या होता है, बेसिकली हम एक लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक लेयर एक पर्टिकुलर टास्क करता है। इससे क्या होता है, मॉड्यूलरिटी और उसको मेंटेन करने में और रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है, मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होती। अगर हमें एक पर्टिकुलर जैसे मेमोरी मैनेजमेंट का है, तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए अलग चीज है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे सीपीयू के लिए कुछ है, तो सीपीयू के लिए प्रोसेसेस इधर एक्सेस होगा, जैसे रिसोर्स शेयरिंग के लिए तो ये इधर इधर एक्सेस होगा। तो ये मॉड्यूलरिटी बढ़ा देता है, मेंटेनेंस बढ़ा देता है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ा देता है, रिलायबिलिटी बढ़ा देता है। तो ये सब चीजें लेयर्ड आर्किटेक्चर में यूज होती है। नेक्स्ट इज माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। सो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर इज ओनली एसेंशियल फंक्शन, एक प्रोसेस मैनेजमेंट में काम आता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में काम आता है, आगे बताऊंगा सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इंटर प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। बेसिकली आप इतना समझो, माइक्रो कर्नल, कर्नल मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो मीन्स स्मॉलर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं यूज होता है यूजर मोड, मतलब जैसे सिक्योरिटी हमें चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कर्नल मोड में एक्सेस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारी चीजों में यूज होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही छोटे, आप समझो मिनिएचरिंग मॉडल पे यूज होता है, मिनिएचरिंग मॉडल पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जैसे आर्डिनोज वगैरह पे हो गए, वहाँ पर माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर यूज होता है। माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर भी आर्डिनोज में, रास्पबेरी पाई में वगैरह में यूज होता है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, मोनो मीन्स होता है सिंगल, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल लार्ज प्रोग्राम रनिंग एंटायरली इन द कर्नल मोड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक कर्नल मोड में एक्सेस हो रहा हो, यानी कि वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो सारा काम कर रहा हो और वो कर्नल मोड में एक्सेस हो रहा हो, तो उसमें मॉड्यूलरिटी और स्टेबिलिटी तो नहीं होती, क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको डिवाइड नहीं कर दिया गया है, पर क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो कर्नल मोड में ही एक्सेस कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ जाती है, बेटर परफॉर्मेंस, ऑफरिंग बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इस काफी सिंपल है कि अगर हमारे पास एक सर्वर है तो मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सर्वर्स एंड क्लाइंट रिक्वेस्ट, दीज सर्विसेज
कॉमन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो कि मैंने डिस्कस कर चुका हूँ. नेक्स्ट इज हमने डिस्कस कर लिया है आर्किटेक्चर क्या होता है. सो बेसिक आर्किटेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन. ये काफी अलग सा है, ये थोड़ा यूनिक है जो सीएसबीएस के सिलेबस में बाकी अलग अलग ब्रांचेस में ये वर्चुअल मशीन इतनी जल्दी नहीं पढ़ाते. सो वर्चुअल मशीन बहुत ही सिंपल है. वर्चुअल मशीन इज ये पहले आप समझो कि एक करेंटली आया है, ये पिछले कुछ 10 साल में ही आया है. वर्चुअल मशीन क्या होता है, इससे पहले वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट नहीं करता था. तो वर्चुअल मशीन क्या होता है, आप ऐसे समझो कि आपने कभी वीएमवेयर यूज किया है, वीएमवेयर या वर्चुअल बॉक्स यूज किया है. नहीं किया तो कोई दिक्कत, मैं बता रहा हूँ. सो वर्चुअल मशीन वीएम इज अ सिमुलेशन ऑफ फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम. इट प्रोवाइड्स अ आइसोलेटेड एनवायरनमेंट फॉर अ रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन. अगर आपको कोई एप्लीकेशन रन करना है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है और आपके पास ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जैसे मेरे सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल्ड है और मुझे चाहिए कि मुझे इसमें लिनक्स भी चलाना है, तो मैं कैसे चलाऊंगा, तो मैं एक वर्चुअल मशीन इसमें डाल दूंगा, उसमें मैं लिनक्स इंस्टॉल कर दूंगा. यानी कि एक सिस्टम के अंदर एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकता हूँ वी आई वर्चुअल मशीन्स. वर्चुअल मशीन्स दो तरह के होते हैं, सिस्टम वर्चुअल मशीन्स एंड प्रोसेस वर्चुअल मशीन्स. सिस्टम वर्चुअल मशीन जैसे वर्चुअल बॉक्स वीएमवेयर होता है, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर फुल ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाल देते हैं. जैसे वर्चुअल बॉक्स में एक लिनक्स डाल दिए, तो विंडोज के साथ आप लिनक्स एक्सेस कर सकते हो, तो वो एक सिस्टम वर्चुअल मशीन है. प्रोसेस वर्चुअल मशीन क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए सिंगल प्रोग्राम को आप अलग मशीन दे रहे हो. जैसे कि जावा हम लोग जब रन करते हैं तो जावा में एक जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन. तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, उस पर्टिकुलर जावा कोड को वो मशीन रन करता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में. अगर मेरे पास जावा है का कोड और मुझे रन करना है, तो मुझे जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा. और अगर किसी किसी और पर्सन को अगर जावा को वही कोड इंस्टॉल करना है, तो उसे भी जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो दोनों में जो जेवीएम होगा वो कॉमन होगा, इसीलिए वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है. उसे जावा को मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं. दिस इज द थिंग बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मशीन. इट प्रोवाइड्स आइसोलेशन. आइसोलेशन प्रोवाइड करता है कि अगर दोनों के पास जावा मशीन है तो आइसोलेशन होता है. इट प्रोवाइड्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इट्स प्रोवाइड पोर्टेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट इज ओएस व्यूज. कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन हमने कर लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने व्यूज होते हैं. तो रिसोर्स मैनेजर व्यू, प्रोसेस व्यू, हायरार्किकल व्यू, तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज रिसोर्स मैनेजर व्यू. सो रिसोर्स मैनेजर इन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर, कंट्रोलिंग एंड एलोकेटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज टू द कंप्यूटर CPU, memory and infrastructure devices. It also enlighten the efficiency and fairly among the multiple users and processes. Basically, जो views होता है operating system में, अगर एक operating system है आपको उसे देखना है, उसे represent करना है, तो उसके लिए अलग अलग views आप represent कर सकते हो. जैसे process view, resource को manage करने के लिए अलग अलग views होते हैं. Next is process view. Basically, completely theoretical topic. So, the operating system manages processes while instance रनिंग प्रोग्राम. तो इसे हम डिस्कस करेंगे. जैसे पहले तो होता है क्रिएशन, पहले प्रोसेस क्रिएट हुआ, फिर प्रोसेस शेड्यूल हुआ, यानी कि डिसीजन लिए कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर सिंक्रोनाइजेशन किए, यानी कि पहले डिसाइड किए कौन सा प्रोसेस करेगा, उसके साथ साथ बाकी प्रोसेस का किए, फिर कम्युनिकेशन किए यानी कि एग्जीक्यूशन किए, फिर टर्मिनेशन किए, प्रोसेस खत्म भी तो करेगा. तो दिस ऑल इंश्योर्स द स्मूथ एग्जीक्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन इन मल्टीपल प्रोसेसेस. दिस इज द थिंग. हायरार्किकल व्यू में क्या होता है, बेसिकली हायरार्किकल व्यू में सबसे पहले हार्डवेयर लेयर आता है. हार्डवेयर लेयर लेयर मीन्स जो टॉप नॉच प्रायोरिटी में होते हैं. ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या बोलूँ मैं, वो हायरार्की फॉलो होता है. तो जो टॉप हायरार्की होते हैं वो होता है हार्डवेयर लेयर का. उसके बाद आता है कर्नल लेयर. कर्नल लेयर हार्डवेयर से रिलेशन में रहता है, यानी कि कर्नल फर्स्ट है हार्डवेयर, नेक्स्ट इज कर्नल. तो कर्नल और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन होता है. कर्नल हमने डिस्कस किया, सीपीयू जो सेंट्रल पार्ट होता है वो लेयर. नेक्स्ट इज सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक्सेस करता है. उसके बाद आता है यूजर एप्लीकेशन सबसे लास्ट में. दिस इज द हायरार्किकल व्यू. नेक्स्ट इज हायरार्किकल व्यू में डिस्कस कर लिया. ये तीनों व्यूज थे, रिसोर्स मैनेजर व्यू, प्रोसेस व्यू, हायरार्किकल व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज प्रोसेसेस. सो व्हाट इज प्रोसेसेस, प्रोसेसेस बेसिकली इज अ इंस्टेंस ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम. अगर एक प्रोग्राम हमारे पास डिस्क में है और वो प्रोग्राम डिस्क पर अभी एक्सेस हो रहा है, वो रन कर रहा है, तो उस प्रोग्राम को बोलते हैं हम प्रोसेस. वो एक प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है. बेसिकली आप इसे रीड कर सकते हो, इट इज अ एक्टिव एंटिटी. प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी व्हाइल प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी. प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर. हमारे पास डिस्क, डिस्क मतलब हार्डवेयर. अभी हम डिस्क में बात कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव की, हार्ड डिस्क की या सेकेंडरी मेमोरी की. तो हमारे पास जो
कोड होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, यू एग्री? हमारे पास लेट सपोज एक कोड है वो सेकेंडरी मेमोरी में कहीं पर है, तो सबसे पहले अगर हमें सीपीयू से एग्जीक्यूट करना है तो हमें इस कोड को पहले तो रैम में लाना पड़ेगा, और उसके बाद रैम के बाद ये हमारा सीपीयू है, सीपीयू। तो सबसे पहले कोई भी हमारा जो प्रोग्राम है वो डिस्क में है, जो सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक है, हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में ही स्टोर होता है हमारे प्रोग्राम। अगर हमें उसे एग्जीक्यूट करना है, लेट सपोज हमने डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, अब ये जो फोल्डर है ये हमारे रैम में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर एक एक टाइम पे एक प्रोग्राम हमारे रैम में आता है, दिस इज कॉल्ड यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रैम में सिंगल प्रोग्राम रख सकता है, यानी कि यूनि रख सकता है, यूनि प्रोग्राम रख सकता है, दिस इज कॉल्ड यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक बार में अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे रैम में आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये तो चीजें बात की थी। तो अब क्या हुआ, ये प्रोग्राम हमारे लिए रैम में आ गया, ये हमारा रैम है, ओके, ये हमारे रैम में आ गया, ओके, बहुत अच्छा। अब क्या होगा, ये प्रोग्राम हमारे सीपीयू में जाएगा, ठीक है। तो अभी यहां पर ये जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम डिस्क में प्रोग्राम था, पर जैसे ही वो रैम से सीपीयू में गया, अब ये प्रोग्राम प्रोसेस बन गया। दिस इज द प्रोग्राम इन रनिंग इंस्टेंस इज कॉल्ड प्रोसेस। आई होप इट्स क्लियर। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस क्या आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोसेस रिलेशनशिप। प्रोसेस कितने होते हैं, तो प्रोसेस अगर एक प्रोसेस है तो इसका कुछ कोई पेरेंट प्रोसेस होगा जिसके थ्रू ये क्रिएट हुआ है, इसका कोई चाइल्ड प्रोसेस होगा जो जो किसी प्रोसेस को क्रिएट कर रहा है, या इसके सिबलिंग प्रोसेस होंगे जो इसके साथ में क्रिएट हुए हैं। दिस इज कॉल्ड सिबलिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड सिबलिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस। प्रोसेस तीन तरह के होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस स्टेट, जो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। न्यू स्टेट होता है, रेडी स्टेट होता है, रनिंग स्टेट होता है, ब्लॉक स्टेट होता है, टर्मिनेट स्टेट होता है, पांच स्टेट्स होते हैं। और उसके ट्रांजिशंस पे भी हम देखने वाले हैं कि कितने ट्रांजिशंस होते हैं। ये हमारी थ्योरी है, तो आप थ्योरी देख सकते हो। मैं आपको सीधा डायग्राम पे ले चलता हूँ कि प्रोसेस के स्टेट्स क्या होते हैं और कैसे उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेंगी। मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा इमेजिन करो। सबसे पहले इमेजिन करो कि आप एक प्रोसेस हो, ठीक है, आप एक प्रोसेस हो, आप अभी डिस्क में हो, डिस्क यानी कि हार्ड ड्राइव में कहीं स्टोर हो। तो आप हार्ड ड्राइव से हार्ड ड्राइव में हो, तो आप मतलब न्यू में हो, न्यू मतलब न्यू स्टेट। अ प्रोसेस इज क्रिएटेड और रिसोर्स इज एलोकेटेड, यानी कि आप एक प्रोसेस क्रिएट हो चुके हो, ठीक है। अब वो प्रोसेस अभी न्यू में हो आप, यानी कि वो क्रिएट अभी होने वाले हो, आपके लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है हार्ड ड्राइव में, डिस्क में। नेक्स्ट वो प्रोसेस अब रैम में जाएगा, यानी कि अब वो रेडी स्टेट में जाएगा। रैम मीन्स रेडी स्टेट, तो अब वो रेडी स्टेट में गया, यानी कि प्रोसेस अब क्रिएट हो चुका है, रेडी स्टेट में आ गया, रैम में आ गया। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, सिंपलेस्ट डायग्राम, यस। तो अभी आप हार्ड ड्राइव में थे, फिर आप रेडी स्टेट में आ गए, यानी कि आप रैम में आ गए। रैम में आने के बाद आपके पास, आप वेट कर रहे हो आपकी चांस आने का, आपकी शेड्यूल होने का। उसके बाद आप रनिंग स्टेट में आ गए, यानी कि आप सीपीयू में आ गए, रैम के बाद सीपीयू में आ गए, एग्जीक्यूट कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो। ओके ओके ओके। अगर ऐसा होता है कि अगर आपका काम हो गया, आपका जो प्रोसेस है वो प्रोग्राम कम्प्लीटली रन हो चुका है, तो आप उसके बाद सीपीयू में टर्मिनेट कर जाओगे, मतलब आपका प्रोसेस खत्म हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो कंप्लीट होने पे वो टर्मिनेट कर जाएगा, बट दो कंडीशंस में ऐसा नहीं होगा। पहला कंडीशन, अगर रैम में आपसे भी हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाए, ऐसा प्रोसेस आ जाए, सिस्टम कॉल आ जाए या कोई इंटरप्ट आ जाए, तो आप जो रनिंग कर रहे हो आपको ब्लॉक स्टेट में डाल दिया जाएगा। पहला कंडीशन, अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आप में आ जाए तो आप रनिंग स्टेट में से ब्लॉक स्टेट में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। ब्लॉक स्टेट मीन्स जो रनिंग स्टेट आप सीपीयू में थे, सीपीयू से हटके आप ब्लॉक स्टेट में चले जाओगे, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, वेटिंग स्टेट भी बोलते हैं। और पहला कब हुआ था, जब वो कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आता है रेडी स्टेट में, और फिर वो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस रन करने लगेगा और आप ब्लॉक स्टेट में रहोगे। जैसे ही वो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस रनिंग से खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट देन वो टर्मिनेट कर जाएगा, उसके बाद आप वापस रेडी स्टेट में चले जाओगे और फिर आप रनिंग स्टेट में वापस आओगे और फिर आप एग्जीक्यूट करोगे। तो ये था जब आपके पास कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तब। दूसरा होता है कि जब हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आने से के अलावा जब आपको कोई इनपुट या आउटपुट लेना हो, कोई इनपुट लेना हो इनपुट डिवाइसेस से, तो आप ब्लॉक स्टेट में जाओगे। यानी कि प्रोसेस ले रहे हो, आप कुछ इनपुट लेना है तो आप ब्लॉक स्टेट में चले जाओगे, और इनपुट लेने के बाद आप फिर से रेडी स्टेट में जाओगे और फिर रनिंग स्टेट में जाकर एग्जीक्यूट करोगे और फिर टर्मिनेट कर जाओगे। दिस इज द प्रोसेस स्टेट डायग्राम। इसमें जो पर्टिकुलर स्टेट है सबको चल रहा काम है, ये सीपीयू को डिनोट करता है, ये रैम को डिनोट करता है, डिस्क को डिनोट करता है, ये टर्मिनेट स्टेट, ये ब्लॉक स्टेट, ये सारे प्रोसेस स्टेट्स है और इनके ट्रांजिशंस है। तो इस ट्रांजिशंस होता है,
यही सब चीज़ें, अलग अलग 5 स्टेट्स पढ़े हमने, उसके ट्रांजिशंस पढ़े कितने होते हैं, दिस इज द थिंग, प्रोसेस की डेफिनेशन, ट्रांजिशन रिलेशनशिप, डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट प्रोसेस ट्रांजिशन सब पढ़ लिया। नेक्स्ट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स बेसिकली इज अ डेटा स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन कोई पूछे पीसीबी क्या होता है, पीसीबी इज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। बेसिकली आप समझो कि जैसे ह्यूमन में ह्यूमन क्या होगा, जैसे इंडिया में एक पर्सन है, उस पर्सन का कोई आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में उसके सारे डिटेल्स होते हैं, सारे डिटेल्स उसके आधार कार्ड से लिंक होते हैं। उसी तरह से एक प्रोसेस के सारे डिटेल्स उसके पीसीबी में लिंक स्टोर्ड होते हैं। तो इट इज समटाइम्स एज अ प्रोसेस डिस्क्रिप्टर, यानी कि प्रोसेस के डिस्क्रिप्टर की तरह यूज होता है। एक बायोडेटा जैसे ह्यूमंस का बायोडेटा होता है, उसी तरह से पीसीबी होता है प्रोसेसेस का। पीसीबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोसेस की प्रोसेस आईडी होती है, हर प्रोसेस की कुछ आईडी होगी, स्टेट होगी कि प्रोसेस किस स्टेट में है, प्रोग्राम काउंटर होगा कि वो प्रोसेस कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा या कर रहा है, किस स्टेट में है कर लिया, कौन कौन से रजिस्टर्स यूज कर रहा है सीपीयू के, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होंगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि प्रायोरिटी कितनी है, प्रोसेस की अकाउंटिंग क्या है, इनपुट आउटपुट का स्टेटस होगा कुछ कि कौन से इनपुट लेगा, कहाँ से इनपुट लेगा, कब रुकना है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें पीसीबी में स्टोर होती है। बेसिकली पीसीबी एक आप समझो कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, और अपने पास एक प्रोसेस है पी, पीसीबी में इस पी में जो भी चीजें हैं वो पीसीबी में स्टोर होगी, एज सिंपल एज दैट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेविंग द स्टेट ऑफ अ करंट रनिंग प्रोसेस एंड लोडिंग अदर स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल है, मैं समझो अगर एक हमारे पास एक प्रोसेस है और दूसरा स्टेट, दोनों दो स्टेट है, और प्रोसेस पी में है एक स्टेट में, और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो अब बताओ इसमें इसके पास जो पीसीबी होगी, इसके पास जो पीसीबी होगी, लेट सपोज ये रेडी स्टेट में है, अभी के लिए मान लेते हैं ये रेडी स्टेट में है और ये रनिंग स्टेट में जाने चाहता है, मतलब गया, तो इसके पीसीबी में यहाँ पर रेडी लिखा होगा स्टेट, क्योंकि पता है हमें कि प्रोसेस स्टेट या प्रोसेस आईडी वगैरह चीजें लिखी रहती है पीसीबी में, तो ये अपना पीसीबी है, पीसीबी में हमारे पास इसमें रेडी स्टेट लिखा होगा, पर जैसे ही ये रनिंग स्टेट में गया तो इसके पीसीबी में चेंज आएगा, तो ये रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में हो जाएगा, यानी कि हमें चेंज करना पड़ेगा इसे इसके पीसीबी को, क्या फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। तो ये चेंज करना, ये बार बार चेंज करना, फ्रॉम प्रोसेस, प्रोसेस को बार बार चेंज करना, जो स्टेट चेंज करता है प्रोसेस या जो भी एक्शंस उसमें होते हैं, उसमें पीसीबी में हर बार बार चेंज करना, उसकी कॉन्टेक्स्ट को बार बार स्विच करना, कि उसे उसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सो स्टेप्स क्या होते हैं, बेसिकली सेव स्टेट और करेंट प्रोसेस, पहले करेंट प्रोसेस में जो चल रहा है उसे सेव करना, फिर उसे अपडेट करो, फिर लोड करो जो अपडेट किया या जो नेक्स्ट प्रोसेस आने वाला उसे लोड करो, फिर से प्रोसेस को अपडेट करो, फिर रिज्यूम करो अपने एग्जीक्यूशन को। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के स्टेप्स होते हैं। इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, ये रिसोर्स शेयरिंग में जरूरी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्स होनी चाहिए, सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है। लेट सपोज अभी एक प्रोसेस रेडी पे था, जैसा अभी था रेडी पे था रनिंग पे गया, तो रनिंग पे अगर हमें कुछ सिस्टम के कुछ लेट सपोज रनिंग पे हमें कुछ रिसोर्स चाहिए उसकी, तो रिसोर्स रेडी स्टेट में अगर रहेगा तो जैसे वो पास हुआ तो पीसीबी में चेंज हुआ, उसके थ्रू वो रिस्पॉन्सिव तुरंत वो दिखा सकता है ना, यानी कि डिले कम हो सकता है, तो रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी, क्विक स्विचिंग बिटवीन द टास्क, टास्क बीच में तुरंत स्विचिंग हो सकती है, एक फेयरनेस रहता है कि ऑल द प्रोसेस गेट अ फेयर शेयर ऑफ सीपीयू टाइम, सबको एक प्रॉपर शेयर मिलेगा, मोनोपोलाइजिंग ऑफ सीपीयू नहीं होगा। सो दिस इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग खराब चीज है एक्चुअली में, ओवरहेड इसमें होता है, एक टाइम लग रहा है ना, सोचो प्रोसेस को पीसीबी में बार बार चेंज करना, वो कौन करता है, वो शेड्यूलर करता है कि बताएंगे क्या होता है, उसको बार बार स्टेट्स को चेंज करना, तो ये कुछ खास चीज़ें नहीं है। तो और हम चाहते हैं हमेशा कि हमेशा की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमेशा मिनिमाइज रहे एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक सिस्टम में, ताकि उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सके। तो दिस इज प्रोसेस कंट्रोलिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे थ्रेड्स, प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, इन तीन चीज़ें को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम का, और प्रोसेसेस क्या होती है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट टाइम हम थ्रेड्स, प्रोसेस शेड्यूलिंग डिस्कस करेंगे, और होप सो इन कमिंग 2-3 डेज हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म कर दें। थ्रेड्स बेसिकली बहुत सिंपल होते हैं, थ्रेड्स भी एक प्रोसेस ही होती है, अगर आपने प्रोसेस ठीक से समझ लिया तो आप थ्रेड्स भी समझ जाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में
प्लीज डू रिवाइज द कॉन्सेप्ट जो हमने इस क्लास में डिस्कस किया. नोट्स विल बी अपलोडेड टू द वेबसाइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.